लर्न टू डू राइट ऐसा या वन सेवेंटीन हमें सही चीज़ करना सीखना चाहिए और सीखना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो करते हैं ना हमारा पर्पज़ कुछ और रहता है करते कुछ हो है होता कुछ हो है सो देर इज नो सिंक और सिंकुनानाइजेशन बिटवीन वॉट वी डू वॉट वी थिंक एंड वॉट वी एक्ट एंड वॉट द रिजल्ट इज आउटकम तीनों में कोई सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं है एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑलमोस्ट एवरी वन लिटरली एवरी वन द पीपल जिनका ये प्रॉब्लम नहीं होता है वो सक्सेसफुल होकर के जो वो गोल होता है वो अचीव कर लेते हैं टेन परसेंट और बाकी के जो नाइनटी परसेंट है दे आर स्ट्रगलिंग एंड दे स्ट्रगल इन मेकिंग द थिंग्स सिंक्रोनाइज कि वॉट दे थिंक वॉट दे डू एंड वॉट इज द रिजल्ट दैट इज वाई वी हैव टू डू दिंग्स राइट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देर इज अ कोट बायर्मन फिलोसफर आर्थर स्कोपनेर ही टारगेट नो वन एल्स कैन हिट जीनियस हिट्स अ टारगेट नो वन एल्स कैन सी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है टैलेंट अगर है आपके पास में तो वो एक टारगेट को हिट करता है जो बाकी लोग हिट नहीं कर पाते टैलेंट जीनियस हिट्स अ टारगेट नो वन एल्स कैन सी जीनियस उस टारगेट को हिट कर पाता है जो बाकी लोग देख ही नहीं पाते सो देर आर टू एस्पेक्ट पहला टारगेट आपको दिख रहा है यू आर एबल टू सी द टारगेट बट यू आर नॉट एबल टू हिट इट देखा हुआ टारगेट को हिट करना टैलेंट है टारगेट को हिट करना दैट इज जीनियस मैं इसलिए ये आ, कोट और ये वर्स इसलिए मैं उठा रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास 2023 एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम हुआ 2023 मैथमेटिक्स ऑप्शनल और उसके कुछ क्वेश्चन आए तो अब हम लोग पहले क्वेश्चन पेपर देखते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाऊंगा यूपीएससी के वेबसाइट पे ये आपका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है यू कैन गो एंड विजिट सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2023 और प्लीज़ वीडियो को पेशेंस के साथ देखो हड़बड़ करके ऐसे से 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 प्लीज मत करना लिटरली कोई एग्ज़ाम नहीं निकलेगा कोई फायदा नहीं होगा कोई मतलब नहीं होगा और ये जो होगा ना स्क्रील करके रोल करके उड़ जाएगा इसीलिए इफ़ यू वॉन्ट सम आउटपुट थोड़ा सा अगर प्रोडक्टिव आउटपुट आपको चाहिए थोड़ा सा हेल्प चाहिए तो प्लीज हैव पेशेंस वॉच द वीडियो टिल एंड इफ यू फाइंड इट रेलिवेंट देन गो फॉर इट इफ यू डोंट देन स्किप इट नो प्रॉब्लम एट ऑल लेकिन कोई भी चीज़ को देखते हो ना तो पूरा देखा करो तब समझ में आता है वरना बीच में मत देखना छोड़ना मत मैथमेटिक्स पेपर वन आई एम गोइंग बाय दिस इंग्लिश पार्ट हिंदी सेक्शन आप पढ़ लीजिएगा आर सम क्वेश्चन और क्वेश्चन पैटर्न भी आपको पता है सो एवरी वन मेक्स वीडियोज ऑन क्वेश्चन पैटर्न देर आर सो मेनी वीडियोज अवेलेबल हम उस क्वेश्चन पैटर्न वो सब चीज पे नहीं आ रहे मैं जो वर्ड्स आपको बताया लेट्स डू द थिंग राइट और दूसरा टैलेंट और जीनियस वाला चीज करेक्ट उस चीज के बारे में बात करेंगे लेट्स सी सम क्वेश्चंस पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए लेट वी वन इज इक्वल टू टू माइनस वन थ्री टू V2 टू वैक्टर दिया है V3 थ्री वैक्टर दिया है V3 थ्री वैक्टर्स ऑफ द स्पेस आर फोर आर फोर मतलब फोर टपल मतलब चार एलिमेंट्स हैं हर वैक्टर में वी वन वी टू वी थ्री वी फोर डज दिस स्पैन बिलोंग टू द स्पैन दिस क्या ये वाला वैक्टर अगर हम इसको स्पैन करेंगे तो क्या इसको अंदर मतलब लाई करेगा ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है क्या ही है फिर What is this? This is nothing but a question of linear algebra. ठीक Spanning of vectors we did it in the class and similar question is available here. दो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट क्वेश्चन हु ब हु ये क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया है क्लास में बट स्पैनिंग ऑफ वैक्टर्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है दिस क्वेश्चन इज डुएबल आपके पास ये कर सकते हो दस नंबर पूरे के पूरे आपके पॉकेट में जस्ट कीप ऑन काउंटिंग आप प्लीज काउंट करते रहना फिर हम इसका एनालिस करेंगे और फिर जो आप कर रहे हो वो सही है या नहीं है वो भी आपको सोचना पड़ेगा इफ यू थिंक द थिंग्स आर गोइंग ऑन द राइट पाथ कंटिन्यू विथ इट इफ यू थिंक दैट यू आर डूइंग समथिंग एल्स एंड वॉट इज रिक्वायर्ड इज समथिंग एल्स देन आई विजेस्ट प्लीज चेंज योर पाथ अदरवाइज इट विल बी अ नाइट मेर फॉर यू First question is of linear algebra, which is of 10 marks, and it is easily doable provided if you have uh, studied the concept of spanning of the vectors. class Now, next is transformation. This is also a question of linear algebra. T x y z equals to x plus z, x plus y, 2z, 2x plus y plus 3z. और ये जो दिया हुआ है टी ऑफ एक्स वाई जेड इसको बोला है ये क्या है ट्रांसफॉर्मेशन आर थ्री से आर थ्री फाइंड द रैंक एंड नलिटी ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक और नलिटी करना है सो दिस इज ऑल्सो डन इन द क्लास तो आप ये नहीं बता सकते हो कि सर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक और नलिटी हम लोग सीखे नहीं थे तो ये क्वेश्चन बनेगा नहीं यूपीएससी का क्वेश्चन है तो कैसे बना सकते हैं दिस इज ऑल्सो डुएबल सो दस नंबर दस नंबर ट्वेंटी मार्क्स अभी आपके पॉकेट में अभी आप देखते चलो आगे बढ़िए फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एन क्यू फॉर विच लिमिट दिस एग्जिस्ट एन इक्वल टू वन जीरो पुट करो जीरो बाय जीरो फॉर्मैट रूल्स रेगुलेशन ऑलरेडी डिस्कस्ड सो मच इन डिटेल दिस नंबर इज ऑल्सो टेन मार्क्स ईजली डुएबल है अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है तीस नंबर हो गए अभी तक ऑफ कोर्स ये फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है तो इसमें यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप सॉल्व नहीं कर सकते नेक्स्ट एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल दिस जीरो से वन लॉग एक्स बाय प्लस एक्स वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन वेरी मतलब हर जगह लगभग इस तरह का कन्वर्जेंस निकालने वाला क्वेश्चन मिलता ही है दिस इज ऑल्सो डूएबल आप भी कर सकते हो दस नंबर बहुत आसान है सो so, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया नेक्स्ट

सब 10-10 नंबर के टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए 50 क्वेश्चंस हो गए सो so, ये वाला जितने भी आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सो so, आपने जूम पे हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखे सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेल्ट हैं कोई भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो यहाँ पे डिस्कस यहाँ मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसके कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस नहीं किए गए हों सारे क्वेश्चंस उठा करके देख लीजिए सो so, पचास है फिफ्टी मार्क्स आपके यहाँ पे दो नॉट एग्जैक्ट इसमें से कोई भी एग्जैक्ट क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है बट कॉन्सेप्ट आर अवेलेबल 50 मार्क्स इज डुएबल आपको नंबर चाहिए चाहे आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन मिले चाहे सिमिलर मिले चाहे कॉन्सेप्ट से मिले आपका पर्पस है मार्क्स फेच करना आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो वो आप पे डिपेंड करता है अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन भी उठा के दे दिया एग्जाम में भी नहीं वो अवेलेबल आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो कोई फिर मतलब नहीं है सो अल्टीमेटली वॉट मैटर्स इज योर मार्क्स एंड रिजल्ट सो फिफ्टी मार्क्स हो गए श्योर sure. नंबर में सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन टू ए इफ द मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिस रिलेटिव टू द बेसिस इज दिस देन फाइंड द मैट्रिक्स टी रिलेटिव टू द बेसिस दिस अब ये मैट्रिक्स का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी हम लोगों ने देखा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो वेक्टर्स के टर्म्स में और मैट्रिक्स के टर्म्स में सो दिस नंबर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ 15 मार्क्स सो नंबर इधर फिफ्टी नंबर उधर है दे, से सुनो मार्क्स उधर फेच हो चुके हैं प्रोवाइडेड अगर आपने सिंसियरली क्लासेस किया है आपनेक्ट टू द ट्रिपल इंटीग्रल विच गिव द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड एनक्लोज बिटवीन द टू पैराबोलॉइड दिस एंड दिस क्या मैंने आपको ट्रिपल इंटीग्रल नहीं पढ़ाया है कितनी बार आपको बताया है और काफी तोड़ तोड़ के आपको बताया हुआ है डबल इंटीग्रल को कैसे स्ट्रिप लेते हैं ट्रिपल इंटीग्रल के कैसे आप एक ब्लॉक लेते हो और उसको फिर मूव ऑन करते हो सो so, दो पैराबोलॉइड का इक्वेशन है और इसके बीच में आपको ट्रिपल इंटीग्रल ये जो वॉल्यूम है इसका कैलकुलेट करना है सो दिस इज ऑफ 15 मार्क्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू सी वन शो दैट द इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस ट्वेल्व प्लस इलेवन टू जीरो रिप्रेजेंट इन एलिप्टिक पैराबोलॉइड फाइंड इट्स प्रिंसिपल एक्सेस एंड प्रिंसिपल प्लेन्स कौन ये क्वेश्चन नहीं बना पाएगा आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन हम कॉनिक सेक्शन का लिखाए थे उसमें से कौन ये पैराबोलाइड होगा कौन एलिप्टिक पैराबोलाइड होगा और ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस किया हुआ है कंडीशंस कोफिशंट्स को कंपेयर करके और वहाँ से आपको प्रिंसिपल एक्सेस और प्रिंसिपल प्लेन्स कैलकुलेट करना है और यहाँ पे आपको बेसिक की ज़रूरत पड़ेगी सीरियसली बेसिक की ज़रूरत पड़ेगी मैं क्लास में बार बार चिल्ला करके आपको बोला था कि कॉनिक सेक्शन का जो इलेवेंथ का कॉन्सेप्ट होता है एलेप्स, हाइपरबोला पैराबोला उसका डिटेल्ड में जा करके उसको कॉन्सेप्ट को समझना है जो कि फाउंडेशन में फाउंडेशन कोर्स में जूम के फाउंडेशन कोर्स में डिस्कस हुआ है और उसको एक्सप्लेन किया गया है अमितेश सर ने किया है सो टू सी इसका मार्क्स है दस नंबर ठीक है अभी तक हम लोग सारा फूल अक्वायर किए हैं जो चीज सॉल्वेबल नहीं होगा वो मैं भी मार्क कर दूंगा कि नहीं हम लोगों ने नहीं कराया है या वो डुएबल नहीं है प्रोवाइडेड इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चाहिए ठीक है अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन टू सी टू द प्लेन एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस सी वन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए बाई सी रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द कोन जनरेटेड बाय द लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन ओ टू मीट द सर्कल ए बी सी इज वाई जेड इंटू बी बाई सी प्लस सी बाई बी प्लस जेड एक्स इंटू ये प्लस एक्स वाई इंटू ए इक्वल टू जीरो दिस इज आर टेन मार्क्स क्वेश्चन ओके सो ये एक एनालिटिकल जोमेट्री का क्वेश्चन देख लो आप देखो पहले कि मतलब आँख मूंद करके अंधा धुन में जा करके ऐसे नहीं होता है यूनिट टू सी द क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उसके लिए क्या जरूरत है क्या जरूरत नहीं है ऐसे ब्लाइंडली पढ़ने से सीरियसली रिजल्ट नहीं होगा मैं बता रहा हूँ ना रिज़ल्ट नहीं होगा और अल्टीमेटली दुर्भाग्य की बात यह है कि ऑप्शनल मेंस का पार्ट है और मेंस लिखने के लिए प्रीलिम्स क्लियर करना होता है मैक्सिमम 90 परसेंट जो एस्पिरेंट्स होते हैं इनफैक्ट 95 फाइव परसेंट एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो प्रिलिम्स क्लियर नहीं करते और ऑफकोर्स कैसे कैसे कर पाएंगे मतलब क्योंकि कट ऑफ उस तरह से डिसाइड होता है क्योंकि उतने ही परसेंट जितने टोटल सीट्स हैं उसका आ, मतलब इंटू समथिंग इंटू सम फैक्टर ही मेन्स में अपियर हो पाएँ और उसका कुछ परसेंट ही इंटरव्यू में जाकर अपियर कर पाएँ अगर पंद्रह लाख स्टूडेंट्स अपियर हो रहे हैं एग्जाम में इट्स नॉट पॉसिबल कि पंद्रह लाख स्टूडेंट्स का प्रिलिम्स क्लियर हो जाएगा ऑफकोर्स इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड यूनिट टू कट शॉर्ट मतलब यूनिट टू बी वेरी अब बाकी लोगों से थोड़ा अलग होना बाकी लोग कहने का मतलब अगर मैं ए बी सी को कंपेयर कर रहा हूँ तो सारे ही पढ़ रहे हैं और एज अ टीचर मेरी uh, ख्वाहिश है कि ए भी ए का भी सिलेक्शन हो बी का भी सिलेक्शन हो सी का भी सिलेक्शन हो लेकिन प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं वो तो एक इंडिजिनस एफर्ट पे डिफर डिफर करता है और बहुत सारे फैक्टर्स पे भी मैटर करता है किसका होगा किसका नहीं होगा मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ डू द थिंग राइट कहने का मतलब एज अ टीचर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मेरा पढ़ाया हुआ काम आए मेरा पढ़ाया हुआ एग्ज़ाम में आए मेरा पढ़ाया हुआ से स्टूडेंट को नंबर आए सेलेक्शन इज यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी फैक्टर्स दैट इज नॉट माई फोकस क्योंकि मैंने तो ठेका नहीं मैंने मैं तो आई ए एस नहीं हूं ठीक है आई एम ये मेरा डोमेन ही नहीं है बट द थिंग इज मेरा मैथमेटिक्स डोमेन है मैथमेटिक्स डोमेन है मैथमेटिक्स में जो हेल्प हो सकेगी वो मैं करूँगा उसके लिए मैं यहाँ पे हूँ आई एम नॉट हियर टू मेक यू आई ए एस और आई पी एस बिकॉज आई एम नॉट दैट क्वालिफाइड इनफ कि मैं सारा चीज करवा करके वो चीज़ कर पाऊँ ऐसे बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं जो इंडिविजुअली कर पाते हैं दैट इज गुड बट माई एफर्ट इज टू मेक यू मैक्सिमाइज मार्क्स इन मैथमेटिक्स सो यहां पे आप ध्यान दो इसमें जो यहां पे हमने रैंक और नलिटी डिस्कस किया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑन फलाना फलाना एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सब क्लास की चीजें हैं है ना फिर देखो नंबर टू पे आ जाओ ट्रिपल इंटीग्रल पैराबोलॉइड अभी आपको दिखेगा अभी पहले क्वेश्चन पेपर देखो और उसके बाद ये जो पढ़ाया हुआ चीज और एग्जाम में आया हुआ चीज सोचा हुआ जैसे मैंने बोला ना वॉट यू थिंक वॉट यू डू मीन्स व्हाट यू एक्ट एंड वॉट इज द आउटकम व्हाट इज द रिजल्ट थ्री थिंग्स नीड टू बी इन सिंक्रोनाइजेशन क्या आप सोचते हो क्या आप करते हो और क्या होता है ठीक है तो अभी हम सोच रहे हैं कर रहे हैं करने का भी वो चीज दिखा रहे हैं क्या होता है क्या हुआ है वो भी मैं आपको दिखाता हूं तो अंत तक बने रहना अगर समय नहीं है तो उड़ जाओ निब्बा निब्बी जैसा टॉक टॉक बनाओ और उड़ो यहाँ से रील्स बना करके फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है मैट्रिक्स वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स किसको नहीं पता ये केले हैमिल्टन थ्योरम कोई भी अगर मैथमेटिक्स पढ़ाएगा लीनियर जबरा पढ़ाएगा तो केले हैमिल्टन थ्योरम तो पढ़ना ही पड़ेगा पढ़ना है दिस इज मैंडेटरी एंड शो दैट ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर माइनस आई फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री वेर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थ्री फाइंड ए टू द पावर ऑफ फोर्टी हु कै नॉट सॉल्व दिस वी हैड जब हमें ए पावर हंड्रेड पूछा था दो हज़ार इक्कीस में शायद दो हज़ार बीस या इक्कीस में ए पावर हंड्रेड क्वेश्चन पूछा था तो वहीं से हमें पता चला कि पावर वाला क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट पावर वाला क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट है तो ए पावर हंड्रेड अगर पूछा है तो ज़रूरी थोड़ी है कि ए पावर हंड्रेड हर साल पूछेगा नहीं ए पावर हंड्रेड पूछा था दो साल पहले अब पूछा है ए पावर फोर्टी इसको निकालने के लिए ये वाला रिलेशन तो डेराइव करना ही पड़ेगा सो so, आ गया है यहाँ पे इज इट नॉट सॉल्वेबल येस ऑफ कोर्स इट इज़ सॉल्वेबल दस प्लस दस बीस मिल गए ये वेरीफाई करने के लिए दस नंबर दे रहा है यूपीएससी और इसको पावर निकालने के लिए दस नंबर दे रहा है ट्वेंटी मार्क्स इधर मिल गए अभी तक कोई भी क्वेश्चन अभी ऐसा नहीं मिला है जिसमें मार्क्स नहीं मिले हों आपको सब मिल रहे हैं देखो ध्यान से प्रोवाइडेड इफ यू आर सिंसियर इनफ जस्टिफाई वेदर दिस इज एन एक्सट्रीम पॉइंट फॉर द फंक्शन दिस फंक्शन है क्या इसका एक्सट्रीम पॉइंट नहीं निकाल सकते हो बिल्कुल निकाला जा सकता है क्या क्या नया चीज़ है दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट फॉर यू पी एस सी दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर योर इलेवेंथ कैलकुलस यू पी एस सी का कॉन्सेप्ट नहीं है ये इलेवेंथ का कॉन्सेप्ट है पंद्रह नंबर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू द द द सर्कल दिस टू केसेस जब ये पॉइंट स्फीयर पे लाई करता है गिवन सर्कल इज अ ग्रेट सर्कल ऑफ द स्फीयर ग्रेट सर्कल स्मॉल सर्कल ये सारी चीजें क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस की हुई हैं ये क्या दिया हुआ है दिस और दिस को जब आप कंबाइन करोगे स्फीयर और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू द सर्कल ये आपका सर्कल है और इस स्फीयर जो सर्कल से पास करता हुआ उसका आपको स्फीयर का इक्वेशन निकालना है जो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो और सर्कल ग्रेट सर्कल बन जाए जाएली सो फिफ्टीन मार्क्स नेक्स्ट फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कौन नहीं सॉल्व करता है सबको आता है सॉल्व करना रो फॉर्म में हजार तरह के मेथड हैं सॉल्व करने के लेकिन यहाँ पे आपको बोला रो फॉर्म ऑलरेडी डिस्कस्ड नेक्स्ट ट्रेस द कर ट्रेसिंग भी सीखा है हम लोगों ने दिस इज ऑल्सो डुएबल अभी तक देखते जाओ आराम से देखते जाओ हड़बड़ाना नहीं है नेक्स्ट आ जाओ ऑब्यूशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ दिस अब इसके लिए मैं क्या बोलते हैं ना इसके लिए मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि ई आर एफ ये वाला तरह का फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस कभी नहीं किया है किया ही नहीं था दिस इज एक्चुअली ये सब जेई जे लेवल के क्वेश्चन हैं आई मीन मतलब जेई लेवल के क्वेश्चन पूरी तरह से क्वेश्चन नहीं बता सकते बट ये सब जो फंक्शंस हैं ना ये सब आपको आई आई टी जे लेवल के लेवल पे फंक्शंस में पढ़ना पड़ता है अब देखो सर इतना बेसिक्स मत बताओ इलेवेंथ बताने का क्या जरूरत है मैं तो आई आई टी जे ई में रैंक वन ले कर के आया हूँ तो मुझे तो जानने की जरूरत नहीं है अब रैंक वन लेकर लेकर के आए हो आई आई टी जेई में तो ऑब्वियसली हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये सब चीज में प्रॉब्लम ही नहीं होगी अरे प्रॉब्लम ही नहीं होगी ना देखो कहां पे 4C. नहीं नहीं दूसरा क्वेश्चन ओके okay, ये क्वेश्चन मिस हो गया यहां पे देखो प्रूव दैट द लोकस ऑफ अ लाइन व्हिच मीट्स द लाइन दिस 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 सर्कल दिस 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 इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सो नंबर यहां पे आप छोड़ दो मेरे तरफ से क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो उड़ा दो और सब करने की जरूरत भी नहीं होती हमें मैक्सिमाइज मार्क्स चाहिए सेक्शन बी में सेक्शन बी में ये वाला इसको भी आप उड़ा सकते हो क्योंकि ई आर एफ एक्स ये वाला फंक्शन हम लोगों ने भी नहीं मैंने सोचा ही नहीं था कि ये यहाँ तक पढ़ा देंगे इसीलिए मैं थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है इसीलिए लिटरली मैं थोड़ा बेसिक्स पे और ज़्यादा फोकस करने लगा हूँ क्योंकि देखो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम

तो पंद्रह नंबर सॉरी दस नंबर मेरे कारण से मेरी गलती के कारण से आपको नहीं मिले इसलिए इसके लिए सॉरी फाइव ए ठीक है और यहाँ पे फोर सी मेरे गलती से मेरे कारण से आपको पंद्रह नंबर यहाँ पे छूट गए क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट मतलब इनडायरेक्टली कराया बट मैं मानता हूँ कि ठीक है डायरेक्टली इस तरह से नहीं कराया तो पंद्रह नंबर इधर छूट गए मेरी गलती के कारण से दस नंबर इधर छूट गए मेरी गलती के कारण से आपका पांच सौ में से पच्चीस नंबर मैंने बर्बाद कर दिया ठीक है नेक्स्ट गिवेन दैट दिस इज द फंक्शन लैपलेस ट्रांसफॉर्म शो दैट दिस दिस इवेलुएट द इंटीग्रल दिस सो मेनी टाइम्स डिड इन द क्लास एंड ऑल्सो गिवेन एज अ प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन टेस्ट में भी शायद इस तरह का क्वेश्चन है और आपका होमवर्क क्वेश्चन में भी है सो so, दस नंबर है तो इसमें मेरी गलती नहीं है वी हैड डेल्ट दिस Next, a cylinder of radius a touches the vertical wall along a generating line axis of the cylinder is fixed horizontally. a uniform flat beam of length L and weight W rests with its extremities in contact with the wall and the cylinder making an angle 45 degree with the vertical if the frictional forces are neglected then show that this find the reactions of the cylinder and wall. Are you <coughs> <Aayu>, sir a <laughs> question. सो दस नंबर ए पार्टिकल इज मूविंग अंडर द सिंपल हार्मोनिक मोशन एस एच एम का क्वेश्चन डायनेमिक्स दस नंबर वेरी पॉपुलर क्वेश्चन इज ऑल्सो डूएबल फाइव ई में आ जाओ वैक्टर सबसे फेवरेट मेरा ए वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर फाइंड द वैल्यूज ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द वैक्टर फंक्शन दिस वैक्टर ये निकालो ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना आता है जो कुछ भी आएगा उसको आप थीटा से डेरिवेटिव लो और पुट करो वेरी सिंपल क्वेश्चन दस नंबर अभी तक पच्चीस नंबर ही मैंने बर्बाद किए आपके वेट सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस अरे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस कोई क्वेश्चन है पोकेट में आपको पंद्रह नंबर आगे देखो वेन अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड दिस 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 इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर क्वेश्चन फिफ्टीन मार्क्स इज इन योर पॉकेट क्योंकि आयो सर जो पढ़ा जूम पे इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी वेरी रेलिवेंट सिक्स सी इवेल्युट द डबल इंटीग्रल दिस एस इज द अपर पार्ट ऑफ द सर्फेस प्रोजेक्शन आपको सिखाया है डी एस मतलब क्या है एन कैप मतलब क्या है चिल्ला के बार बार बताया हुआ है ये चब चीज और गॉस डाइवर्जेंस थे और हम नोट्स पलटो देखो जाकर के बीस नंबर के क्वेश्चन डुएबल एंड नॉट सिर्फ डुएबल अचीवेबल ऑल्सो नेक्स्ट फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन कौन बनना ही बना पाता ये सब दस नंबर रेड्यूज द इक्वेशन दिस इन क्लियर आर्ट्स फॉर्म कौन नहीं बना पाता ये सब दस नंबर क्वेश्चन क्लास अगर किए होगा ना कायदे से एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स कुछ नहीं है सीरियसली कुछ नहीं है और अगर डिस डाइवर्स होकर के डिस्पर्स होकर के अगर आपने सोचा है कि किसी तरह से तो हो ही जाएगा वैसा नहीं होता फिर नेक्स्ट ए सॉलिड एमोसफियर ये पंद्रह मार्क्स ओके सेवन सी यहाँ देखो पंद्रह नंबर आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस तो चलो हम मान लेते हैं ठीक है पंद्रह पच्चीस और पंद्रह पचास नंबर मैंने हाँ पच्चीस और पंद्रह पचास मैंने पचास मार्क्स अभी तक मैंने बर्बाद किए नेक्स्ट एट या ए सॉल्व द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म टेक्निक आपको सबसे पहले मैंने डिटेल्ड में लैपलेस क्या होता है वो सिखाया लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना सिखाया उसका इनवर्स निकालना सिखाया अब उसी को इनवर्स यहाँ पे लगा लगा करके कौन नहीं बना सकता है तो ये बर्बाद नहीं हुए हैं ओके नेक्स्ट ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस रूट सी ब्लब्लब विल दैट करो ईजी डूएबल ट्वेंटी मार्क्स फेवरेट क्वेश्चन सीरियसली मेरा भी फेवरेट है यूपीएससी का फेवरेट है क्योंकि ये एक पैटर्न होता है वो पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ता है मैंने कर लिया है तो उसका अभी जादू देखे हुए सो so दिस और आपको बोला है कि वेरीफाई देखो ना नेबला डॉट फाइ एफ वैक्टर अब मान लो यहाँ पे एफ़ वैक्टर है मेरी मर्जी हम वहाँ पे जी यूज़ कर दें क्वेश्चन बदल जाएगा क्या हम यहाँ पे एफ़ को हटा करके हम जी यूज़ कर दें या एफ को हटा करके हम ए कर दें क्वेश्चन बदल जाएगा क्वेश्चन नहीं बदलेगा क्वेश्चन सेम रहेगा ठीक है ना सो so, सो ये पेपर so, वन में मैंने आपके कितने मार्क्स बर्बाद किए टोटल पचास ढाई सौ में से पचास को माइनस कर दो कितना हो गया दो सौ सो पेपर वन में दो सौ मार्क्स आपके श्योर एंड शॉर्ट कन्फर्म्ड है प्रोवाइडेड किफ यू आर सिंसेर चलो ये हो गया दूसरा देखते हैं लेट्स मूव ऑन टू पेपर टू अभी वो थिंकिंग वाला पार्ट है ठीक है ना सोचा हमने उसके बाद फिर करने वाला और फिर क्या हुआ है वो वाला आएगा सो दिस इज पेपर नंबर टू लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर टेन एंड जी डैश बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर सिक्स एग्जामिन वेदर देयर एग्जिस्ट अ होमोमोर्फिजम ऑफ जी ऑन टू जी डैश a uh, very good quality question of your homomorphism ten marks easily available solid if you had complete if you had understand understand if you had matlab, agar aap se ho, modern algebra homomorphism class thus number pocket mein. express the ideal this as a principal ideal in the integral domain z very simple question ten marks. दस दस बीस टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस अब यहाँ पे देखो अब फॉर्मेट आपको दिख रहा है वन थ्री फाइव टू फोर सिक्स यहाँ पे जो मर्जी भी हो यहाँ पे जो भी मर्जी हो अगर हमको पता है कि इस पैटर्न को किस तरह से टैकल करना है तो यहाँ पे हम जो मर्जी भी दे देंगे क्या वो नहीं बन पाएगा बिल्कुल बन पाएगा तो इसका सेमी पार्ट अभी दिखेगा अभी आपको रुको तो समेनिटी वन, वन थ्री फाइव डॉट 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 टू एन माइनस वन बाय टू फोर सिक्स डॉट 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 टू एन और ये रहा एक्स ग्रेटर दैन जीरो फॉर अ फंक्शन दिस टू बी एनालिक इन द डोमेन क्या कंडीशन है जब ये फंक्शन आपका एनालिटिक होता है और ये भी दिखाना है शो दैट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू लॉक जेड इज एनालिटिक इन इट्स डी एफ बाई डी जेड गो टू योर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्लास एंड देन चेकआउट फॉर दिस एनालिटिक फंक्शन एंड वेदर वी है डेल्ट दिस लॉक जेड और नॉट ए पर्सन रिक्वायर्स दिस थोड़ा और जूम कर देता हूं दिख रहा है ओके okay.

हालांकि डुएबल है इजी है कर लोगे लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ मैं अपने मैं आपके नज़र से खुद उसको सोच रहा हूँ ठीक है आई एम पुटिंग माई फीट इन योर शूज एंड देन थिंकिंग क्योंकि बहुत लोगों का मॉडर्न जबरा देख करके ना हालत खराब हो जाता है तो मैं मान के चला ठीक है आपने कॉन्सेप्ट भी समझा पढ़ा भूल गया आप एग्जाम में पंद्रह नंबर छोड़ के आ गए ठीक है तो पेपर टू में कितने बर्बाद हुए पंद्रह नंबर ओके यूजिंग द मेथड ऑफ लैगरेंजेस मल्टीप्लायर फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सम डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द स्फियर दिस स्पीयर से इस पॉइंट का मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है लैगरेंजेस मल्टीप्लायर से किया हुआ है फिफ्टीन मार्क्स तो इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो जीरो से लेकर टू बाइव प्लस यूजिंग कॉन्टूर इंटीग्रेशन कॉन्टूर इंटीग्रेशन को अननेसेसरी आप लोग ना क्या बोलते हैं ना हवा बना के रखे बनाए कॉन्टूर इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन अरे सब बेबी चीजें सारी बेबी चीजें प्रोवाइडेड कि आपका बेसिक स्ट्रांग हो बेसिक स्ट्रांग हो गया तो सब क्वेश्चन बेबी ही लगेगा बेसिक स्ट्रांग नहीं हुआ तब पता है माइंड सेट क्या बनेगा यूपीएससी का क्वेश्चन है बहुत कुछ करना पड़ता है ये माइंडसेट है और हाँ मुझे पता है 90% परसेंट आप लोग सो जो देख रहे हो ना यही माइंडसेट में हो यूपीएससी का क्वेश्चन है बहुत कुछ करना पड़ता है अरे अपने बेसिक्स पे वर्क करिए कुछ नहीं करना पड़ता है सीरियसली कुछ नहीं करना पड़ता है आपको पता होना चाहिए टारगेट को कहाँ हिट करना है वरना दस साल पढ़ते रह जाओगे कोई एग्जाम नहीं निकलेगा लिख लो रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड पाँच साल बाद भी देख लोगे नहीं निकला होगा एग्ज़ाम सीरियसली अगर उस मेंटालिटी से अगर आप देख रहे हो ना जब अपने फाउंडेशन पे वर्क नहीं करते हो और फाउंडेशन बताने के समय में स्किप कर देते हो क्लास को या फिर आप सोचते हो कि इसकी ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम नहीं निकलेगा उस तरह से मैं बता रहा हूँ मे बी हार्श तो यही मैं चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम निकले इसलिए जो मैं बोलूँ वो आपको तीखा लगे मिर्ची लगे तो आप उछलो और उस पर वर्क करो वरना मैं मीठा मीठा बात बोल करके लुभावनी बात बोल करके आई डोंट कीप माई स्टूडेंट्स इन डार्क मैं अंधेरे में नहीं रखना चाहता मैं एकदम बहुत कड़वा बोलता हूँ जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ ताकि आपको वो फ़ायदा दे मेरे एंटरटेनमेंट करने से मैं आपको अच्छे अच्छे बातें बोलूँ आप मेरे पास में आओ मैं आपको यहाँ की बातें करूं वहाँ की बात करूं सैर सपाटा करूं आपको मौज दिलाऊं मस्ती कराऊं रिजल्ट नहीं होगा उस आई जस्ट वॉन्ट माई रिजल्ट स्टूडेंट्स टू गेट द रिजल्ट एंड फॉर गेटिंग द रिजल्ट अगर मुझे आपको आपके साथ बिहेवियर काफी स्ट्रिक्ट रखना पड़े आई विल डू इट बिकॉज इट एज अ टीचर इट्स माई जॉब एंड आई एम वेरी सिंसियर अबाउट माई वर्क नाउ सी हियर इवेल्युएट इंटीग्रेशन जीरो से टू पाई कॉस्ट टू थीटा बाई फाइव प्लस फोर कॉस्ट थीटा कॉन्टूर इंटीग्रेशन सर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है बहुत कुछ करना पड़ेगा अरे कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई किया हुआ है क्लास में <laughs> देख लो जाके प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज एन इेड्यूसेबल पॉलिनोमअल इन दिस फर्दर शो दैट द क्वेश्चन रिंग मैं मान के चल रहा हूं आपका मॉडर्न अल्जबरा डब्बा है ठीक कोर्स कर लिए होगे तब डब्बा नहीं रहेगा मैं मान के चल रहा हूं आपने नहीं किया आपको कुछ नहीं आता है मॉडर्न अल्जबरा आपने छोड़ दिया पंद्रह नंबर आपके हो गए बर्बाद ठीक है पंद्रह नंबर उधर बर्बाद हुए थे पंद्रह नंबर इधर बर्बाद हुए हैं कितने बर्बाद हुए तीस नंबर बर्बाद हुए ठीक है मेरी गलती के कारण से ठीक है मैं ही मान लेता हूँ ठीक है किसी को ब्लेम आपको नहीं ब्लेम करूँ मैं ही मान लेता हूँ मेरी गलती के कारण से पेपर टू में पंद्रह नंबर उधर बर्बाद हुए पंद्रह नंबर इधर बर्बाद हुए क्यों क्योंकि सेम हु बहु एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं हुआ है ठीक है ठीक है तीस नंबर मेरे कारण से उड़ गया प्रूव दैट यू ऑफ एक्सोमा के पावर में एक्स इंटू ये इज हारिक फाइंड इट्सिंग एनालिटिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ डू एबल कौन नहीं करेगा ये आई फिफ्टीन मार्क्स पॉकेट में सोल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय बिग एम मेथड अब बिग एम मेथड आपको इतनी बेहतर तरह से आप सीखे हो कि ऐसा भी क्वेश्चन देगा बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे अब यहाँ पे हम यहाँ पे सपोज़ क्वेश्चन अगर कराया हुआ है सेवन एक्स वन प्लस एट एक्स टू इसके क्वफिशेंट्स अलग अलग हैं और क्विशेंट्स हम बदल दें यहाँ पे कुछ और दो देंगे तब क्या बोलोगे क्लास में नहीं हुआ कैसे बनाते समझ में नहीं आया था भाई मेरे बी गेम मेथड पढ़ा ना आपको तो जब बी गेम मेथड के कॉन्सेप्ट सीखे हो क्विशेंट्स हम जो मर्जी दे दें दे, नहीं बनेगा क्या क्या एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो मेथड होता है नो no? फिशेंट्स बदलोगे आपका दूसरा मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा सो ट्वेंटी नंबर का पूछा है अरे थैंक्स टू यूपीएससी दैट इट इज गिविंग यू नंबर फॉर फ्री आप नहीं उठा पा रहे हो आपकी गलती उसमें हम क्या कर सकते प्रूव दैट द ऑसिलेशन ऑफ अ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन दिस सुप्रीम ऑफ दिस मैं यह भी मान के चल रहा हूं आपको रियल कुछ नहीं आता ठीक है क्लास किए गए तो आएगा मैं लेकिन नहीं किया हो क्लास ठीक कोई दिक्कत नहीं मत करो पंद्रह नंबर बर्बाद कर दिए किसने बर्बाद किया मैंने बर्बाद किया तो तीस नंबर उधर बर्बाद हुए पंद्रह नंबर इधर बर्बाद हुए कितने बर्बाद हुए पैंतालीस नंबर मैंने अभी तक बर्बाद किए क्लासिफाई द सिंगुलर पॉइंट दिस एफ ऑफ जेड इकोल्स टू पावर जेड बाई जेड माइनस साइन जेड ऑब्टेन द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ इट्स लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ईजली डूएबल फिफ्टीन मार्क्स इसको नहीं बोल सकते क्योंकि ये सब तो फोटे हैं डिपार्टमेंट हेड हैज फाइव सबॉर्डिनेट्स ये देखो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आता है फोकट के नंबर मिलते हैं बीस नंबर बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी फंक्शंस फॉर्म द पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशंस आर ए आर्बिटरी फंक्शंस को दो तरह का पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होता है एक होता है बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स दूसरा होता है बायिट एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी फंक्शन तो दूसरा वाला पूछा कॉन्स्टेंट वाला बहुत बार पूछा है फंक्शन ना पूछ दिया तो क्या दिक्कत है क्या हुआ है गिवेन दिस विथ इनिशियल कंडीशन फाइन द वैल्यू ऑफ वाई फॉर दिस ऑयलर्स मेथड करेक्ट टू फोर टेकिंग स्टेप लेंथ दिस सुब्रत सर ने क्वेश्चन कराया हुआ है टेन मार्क्स ये जिसने नई क्लास किया है उसके लिए तो नाइट में रहे लेकिन जूम में किया हुआ है उसके लिए हलवा है ये सब डन फोकट में दस नंबर है फोकट में दस नंबर है सब ये सब नंबर नहीं उड़ाया जाता है फिर यहाँ पे आप बोला ए प्लानट ऑफ मास एम दिस 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 इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन क्वेश्चन टेन मार्क्स के लिए फ्लूड टेन मार्क्स के लिए स्ट्रीम लाइन्स वेरी सिंपल कॉन कैलकुलस या वेक्टर का आप कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए फाइंड द सर्फेस पासिंग थ्रू टू लाइन्स दिस एंड सेटिस्फाइंग द पार्सल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस सो दिस इज ऑफ फिफ्टीन मार्क्स मैं मान के चल रहा हूँ एग्जाम में आता है आपको भूल गए भूल गए हो आप ठीक है आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें तो आप भूल हो लेकिन गलती मैं ले रहा हूं पैंतालीस नंबर हो गए पंद्रह नंबर इधर कितना हो गया चार एक पाँच और एक छः सिक्सटी मार्क्स सिक्सटी मार्क्स अभी तक मैंने बर्बाद किया आपके सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेन्स यूजिंग गॉस सीड लिटरेटिव मेथड एवरी वन नोस फिफ्टीन मार्क्स इज देयर मैकेनिकल सिस्टम विथ टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हैज़ द लैगरेंजिन अरे ये लैगरेंजिन हैमिल्टोनियन बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है ट्वेंटी नंबर तो ये नहीं छोड़ा जा सकता कंजक्टिव नॉर्मल सी एन एफ सुब्रतो सर थैंक्स टू सुब्रतो सर दैट ही डिड सो फिफ्टीन मार्क्स बोले कि सुब्रतो सर कौन है सुब्रतो सर इज माय कलीग एंड ही इज टीचिंग विथ मी एज अ टीम इन जूम क्लास सो वॉट एवर ही टीचेस इट कम्स ओके ए परफेक्टली रफ बॉल इज एट रेस्ट विथ अ हॉलो सिलेंडर रोलर ब्लाबला फिफ्टीन मार्क्स सॉल्व द पार्सल डिफरेंशियल इक्वेशन तीन है वेव इक्वेशन है हार्मोनिक इक्वेशन है और हीट इक्वेशन है सॉरी लैपलेस इक्वेशन हाँ तो लैपलेस इक्वेशन वेव इक्वेशन हीट इक्वेशन तीनों में से हर साल फैक्स है तीनों में से कोई ना कोई आएगा सो so, ये आ गया रेड्यूस द पार्सल डिफरेंशियल इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म टेन कंप्यूटर रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इन द इंटरवल दिस व रेगुलर फालसी मेथड जो मर्जी फंक्शन दे दे आई नो व्हाट इज रेगुलर फालसी मेथड आई कैन सॉल्व इट एंड फेच 50 मार्क्स नेवियर स्टोक्स मोमेंटम इक्वेशन का क्वेश्चन है 20 मार्क्स ठीक है तो अभी ये दिखा कि नहीं दिखा यस yes, क्वेश्चन दिख रहे ठीक है तो वापस आ जाते हैं इधर इसको पढ़िए फिर से क्या लिखा है लर्न टू डू राइट मतलब डिकोड करो लर्न टू डू राइट सही करना सीखो बार बार बोल रहा हूं सही करना सीखो वरना सारा मेहनत कचरा में जाएगा बाबू पढ़ करके मार्क्स नहीं आएंगे मतलब कहने का मतलब है खाली पढ़ करके मार्क्स नहीं आएंगे सही चीज पढ़ करके ही मार्क्स आएंगे और सही तरीके से पढ़ करके ही मार्क्स आएंगे वरना आप यू विल एंड अप इन टेन इयर्स प्रोग्राम नाउ यू डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू कंप्लीट कोर्स इन थ्री इयर्स फोर इयर्स एंड द एंटायर सिलेबस इन टेन ईयर्स क्लियर एग्जाम इन फिफ्टीन ईयर्स बिकम आई ए एस इन फिफ्टी ईयर्स Enjoy life in 100 years. Do whatever you want in 2000 years it's up to you talent यू a target no one else can hit talent matlab kya मतलब क्या कि जो लोग दिख रहे हैं टारगेट को लेकिन हिट नहीं कर पा रहे और जीनियस का मतलब क्या है टारगेट ही नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी हिट कर रहे किसने बोला ये आर्थर स्कॉपन अब बात आती है जो हमने सोचा जो हम करते हैं और जो होता है वो तीनों सिंक में होना चाहिए स्क्रीन पे क्या दिख रहा है बउआ मेरे क्या दिख रहा है एग्जैक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सैडमी जूम कोर्स यूपीएससी 2023 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये 2022 का भी नहीं है ये पेपर कब का है सोना 2023 का ये जो जूम कोर्स प्रिपेयर किया गया था कौन से ईयर का 2023 का अगर किसी ने पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ प्रीलिम्स क्लियर करके प्रोवाइडेड जनरल स्टडीज के पेपर को टंच करके ऑप्शनल के पेपर में अगर बैठा होगा तो क्लास में जो कराया हुआ है जीरो से लेकर के टू पाई स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है मैं बता फिर भी बता देता हूं देख लो इवेलुएट इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के टू पाई कॉस्ट टू थीटा बाई फाइव प्लस फोर कॉस्ट थीटा डी थीटा यूजिंग कॉन्टूर इंटीग्रेशन क्लास का लेक्चर का स्नैपशॉट है होमवर्क क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है उस दिन डेट मेंशन नहीं है लेकिन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छः होमवर्क क्वेश्चंस आपको दिए थे और छः होमवर्क क्वेश्चन में से पांचवा होमवर्क क्वेश्चन इज द सेम एग्जैक्टली एज दिस वन बहुत सारे लोग तो होमवर्क क्वेश्चन छुए भी नहीं होंगे मुझे इतना पता है पता है मुझे क्योंकि नस नस से वाकिफ हो गया हूँ पढ़ाते पढ़ाते हर एक स्टूडेंट का क्या मेंटालिटी है वो सब भी जान गया हूँ दे डोंट ट्रस्ट पहली बात देर आर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट आई विल परचेज द कोर्स फ्रॉम हियर आई विल टेक फ्री क्लासेस फ्रॉम देयर आई विल टेक परचेज आई विल परचेज कोर्स फ्रॉम देयर 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 कलेक्ट सो मैनी कोर्सेस पाइल अफ द थिंग्स डोंट कंप्लीट दिस इज द केस एंड सैड रियलिटी ऑफ ऑलमोस्ट नाइंटी परसेंट कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्प दे डोंट प्रिपेयर एक्चुअली दे एंड अप इन कलेक्टिंग द रिसोर्सेस और आप भी यही कर रहे हो देख भी रहे हो और यहाँ देख ही रहे हो इसी उम्मीद में यहाँ मुझे मिल जाएगा यहाँ पर यह पे हो बाबा यू ट्यूब पर कुछ नहीं मिलेगा मैंने आपको पहले भी बता दिया है यूपीएससी का और कोचिंग का एंटी होता है यूपीएससी ऑलवेज एंश्योर्स दैट कोचिंग का क्वेश्चन यूपीएससी में ना आए अब ओपन प्लेटफॉर्म है एवरी वन कैन सी द एंटायर क्राउड हु इज टेकिंग ऑप्शनल मैथमेटिक्स विल सी डेफिनेटली यूपीएससी विल नॉट गोइंग टू आस्क वट आई विल बी डीलिंग इन द ओपन गलती से वो तो पहला कोर्स मैंने बना दिया था यूपीएससी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि सब्सक्राइबर्स कम थे ठीक है तो कौन नया बच्चा है आएगा तो कौन ध्यान देगा ठीक है अभी भी छोटा सा ही हूं बट एट द सेम टाइम लोगों को तो पता है ना कि हाँ ऑप्शनल पढ़ाई होता है यहाँ पे सो so, मैं फिर से बता रहा हूँ यूट्यूब पढ़िए नॉलेज गेन करने के पढ़िए एग्जाम के पर्पज से पढ़ेंगे कोई फायदा नहीं होगा आपकी जिंदगी हो जाएगी बर्बाद अब आप आपको डिसाइड करना है कि आप नॉलेज लेना है या नंबर लेना है फार्श रियलिटी है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का आपके पास नॉलेज है मार्क्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो यू एंड अप नो वेयर सीरियसली यू एंड अप नो वेयर मैं अच्छी मीठी मीठी करके क्या कर, 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 कर बोलता ना उसको बात नहीं करता हूँ आई स्पीक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड द प्रेजेंट सिस्टम इज इफ़ यू हैव मार्क्स go if you don't have marks no go no go matlab you can take some other turn and do whatever you want in life you are free to do but if you want to clear any competitive exam in which marks is the requirement then of course babu this knowledge gaining only knowledge gaining will not help for that you need to be very exam oriented and you cannot force me to make me जूम कोर्स पब्लिकली अवेलेबल ये पॉसिबल ही नहीं है नो दैट्स अ कॉरपोरेट थिंग दैट्स अ कॉरपोरेट थिंग ना एंड दिस इज बिजनेस दिस इज बिजनेस क्लियर तो आई विल मेक श्योर दैट वॉट आर द क्वेश्चन विच आर हाईली प्रोबेबल जो आने चाहिए आई विल नॉट पुट इट इन यूट्यूब यूट्यूब इज ऑनली टू मेक योर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नॉलेज यू योर सेल्फ कैन सॉल्व द क्वेश्चन आप अपने हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बट जूम कोर्स आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन इफ यू आर फोकस्ड एंड एग्जाम ओरिएंटेड इफ यू वांट टू इफ यू डोंट हैव टाइम जूम कोर्स इज देयर एंड पेड कोर्स इज देयर ऑफ कोर्स फाइन है ना तो ये रहा आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सैडमी जूम कोर्स यूपीएससी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री कॉम्प्लेक्स एनालिस लेक्चर फाइव ट्वेंटी मार्क्स फाइन नेक्स्ट प्रूव दैट यू ऑफ कॉमा वाई क्वेश्चन टू ई पावर एक्स एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई इज हार्मोनिक यहां पे देखो ये लेक्चर का स्नैपशॉट है जूम के क्लास के लेक्चर का स्नैपशॉट है शो दैट ई पावर एक्स इन टू एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई इज हार्मोनिक नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए फाइंड इट्स कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन वी एक्सकॉमा वाई फाइंड द एनालिटिक फंक्शन फॉर विच ई पावर एक्स एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई इज इमेजिनरी पार्ट ये क्या पूछ रहा है और ये क्या पूछ रहा है क्या दो अलग अलग चीजें हैं क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ यहां पे और यहां क्या पूछा है पूछने का तरीका अलग है क्वेश्चन सेम है क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम द वे ऑफ आस्किंग इज डिफरेंट डिड यू गेट माई पॉइंट तो वो कोट क्यों दिखाया आपको कि टैलेंट इज वॉट यू हिट द टारगेट वेन यू सी इट एंड जीनियस इज वॉट यू हिट द टारगेट वेन यू डोंट सी इट समझ में आ रहा है कितना नंबर यहाँ पे है अरे कितना नंबर है इधर पंद्रह नंबर इधर कितना नंबर है बीस नंबर ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो मैंने आपके पेपर वन में कितने मार्क्स बर्बाद किए 50. सेकेंड पेपर में कितने मार्क्स बर्बाद किए 60. टोटल मार्क्स कितने बर्बाद किए 110. सौ सा, दस साठ और उधर पचास 110. सौ दस फाइव हंड्रेड माइनस एक करिए वो तो ओपन है ले जाओ सब ठीक है एग्जैक्ट देखो 20 नंबर श्योर एंड शॉर्ट पंद्रह नंबर श्योर एंड शॉर्ट पंद्रह नंबर श्योर एंड शॉर्ट ये सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं जाके जूम ऐसे ऐसे करके ना जूम करके देख लेना कि सही बोल रहा है या फेक रहा है आई एम नॉट फेक आई डू वट आई सेम ए मैन ऑफ इंटीग्रिटी एंड यू ऑल्सो हैव टू बिकम द मैन ऑफ इंटीग्रिटी आप बोल कुछ और रहे कर कुछ और रहे हो कुछ और रहा है दैट्स अ साइन ऑफ अ वीक पर्सनैलिटी सो हीयर ट्वेंटी मार्क्स फिफ्टी मार्क्स फिफ्टीन मार्क्स नेक्स्ट फिफ्टीन मार्क्स टेन मार्क्स फिफ्टीन मार्क्स ट्वेंटी मार्क्स ट्वेंटी मार्क्स टेन मार्क्स ट्वेंटी मार्क्स हो गया वो सब ये अरे जा कर के जूम वूम करके देख लो क्या एग्जैक्ट आए हैं क्या सिमिलर आए हैं जा करके देख लो टोटल काउंट कर लो अब ठीक है ये सब चीज़ तो हो गया प ये है मैंने रोल नंबर और नेम को हाइड कर दिया है टू कीप कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द कैंडिडेट मैम इज इन सर्विस सी हर टोटल मार्कशीट आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर एस ए पेपर आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर जनरल स्टडीज पेपर आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट आई एम ओनली अकाउंटेबल फॉर ऑप्शनल पेपर वन पेपर टू सी इज द मार्क्स वन वन नाइन वन थर्टी सिक्स ऐड करो एड करिए दो सौ पचपन वन वन नाइन वन थर्टी सिक्स कितने हो गए 255 मैंने मार्क्स आपके कितने बर्बाद किए 110 कितने हो गए 390 सौ नब्बे लेट से आफ्टर नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन करेगा दो सौ नंबर काटेगा आप क्या क्या? ऐसा तो नहीं है मान लो 100 नंबर काट लिया और आपने बहुत गलती भी की 300 नंबर श्योर शॉर्ट आपके हाथ में थे उसमें से आपने जहालियत कर दी पेपर में गंदी हैंडराइटिंग फालतू प्रजेंटेशन भूल गए मिस्टेक हो गया सब मिला करके और नॉर्मलाइजेशन करके मान लीजिए सौ नंबर आपके उड़ गए कितने बचे 290 मैडम का कितने पे सिलेक्शन हो रहा है 255 एक्स्ट्रा आपके हाथ में आपकी पर्सनालिटी टेस्ट भी गड़बड़ ही हुई होगी या इधर कुछ होगा हो तो बैलेंस हो जाएगा चांसेस है कि नहीं है कि आप रिकमेंडेड कैंडिडेट में कहलाओ है पूरा स्टोरी और डायनेमिक समझ में आया गुड आना भी चाहिए और यदि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ना तो मैं कुछ कर सकता हूं ना तो कोई और कुछ कर सकेगा समझ में आ रही है बात तो पूरा ओवरऑल पिक्चर बताने का यही था डू द थिंग राइट सही किया करो द सैड पार्ट इज आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करते हो लोग भीड़ में पड़े हुए हैं और आजकल तो रील्स का ज़माना है तो रील्स के ज़माने में पढ़ाई को छोड़ करके बाकी सारी चीजें हो रही हैं एक्सेप्ट फ्यू जेनविन प्लेटफॉर्म्स वेयर लिटरली द एजुकेशन इज गिवन मोर इंपॉर्टेंट और उसको छोड़ करके बाकी सारे जो तो एंटरटेनमेंट होता है एंटरटेनमेंट से आपका मार्क्स और रिजल्ट नहीं आते मार्क्स और रिजल्ट अभी जो फिलहाल निकलता है ना उनके स्टूडेंट के खुद के एफर्ट से निकलता है बहुत कम जेनुन टीचर्स हैं बहुत जेनुन इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड फोकस्ड वे में जो कराया जाता है वो चीज़ होता है तो मेरे को उतने बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है मुझे पता है मेरी जिम्मेदारी है आपका मैथ्स में ऑप्शनल में स्कोर को मैक्सिमाइज करना स्कोर को ज्ञान देने के लिए पूरा ज़िंदगी पड़ा हुआ है सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं समय नहीं है मार्क्स के लिए अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड फोकस कर रहे हो ना तो उसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही सेल्फिश होकर के तैयारी करनी है अगर किसी टॉपिक में आपको बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है उसी में पढ़े हो वेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है वेक्टर में ही पढ़े हुए हैं लीनियर एल्जबरा मॉडर्न अल्जब्रा अच्छा नहीं लगता नहीं देखेंगे तो फिर कोई कुछ होगा नहीं यू नीड टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक ठीक है इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि सही चीज़ें करें जो पढ़ें वो एग्ज़ाम में और अकाउंटेबिलिटी किसी भी टीचर का या किसी भी इंस्टीट्यूट का तब फिक्स होता है जब वो चीज़ पढ़ाता है और वो एग्ज़ाम में आता है कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड एंड कॉलेज और यूनिवर्सिटी बोथ आर डिफ़रेंट मैन आप अंतर नहीं समझते हो कॉलेज यूनिवर्सिटी दोज़ आर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस च आर देर टू गिव यू नॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट आर देयर टू कोच यू टू ट्रेन यू टू मेक योर स्कोर मैक्सिमाइज नॉट टू गिव यू ज्ञान बट द थिंग इज कोचिंग इंडस्ट्री में अभी सैड पार्ट क्या है सब कुछ पढ़ाएंगे सब कुछ क्योंकि उनको पता है सब कुछ पढ़ाना है कुछ भी पढ़ा रहे हैं मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आप उठा लो स्पेशली प्रीलिम्स के लिए बताते हैं एक भी क्वेश्चन कोचिंग का नहीं फंसता है फंसा हो तो बताना एक आध दो तो मिल ही जाएंगे बट जिस लेवल के क्वेश्चन सेट करते हैं तो क्या सेट करके कहीं और से सेट करते हैं नहीं रिसोर्सेस सेम है रिसोर्सेज तो सबके लिए सेम है वही लक्ष्मीकांत पचास बार पढ़ते हो डी डी बासु पचास बार पढ़ते हो रमेश सिंह पचास बार पढ़ते हो इकोनॉमिक्स के लिए ये बुक हिस्ट्री के लिए ये बुक स्पेक्ट्रम जोग्राफी के लिए बुक सब वही पढ़ रहे हैं फिर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन किसी भी कोचिंग का नहीं फंसता है तो जब क्वेश्चन ही नहीं फंस रहे हैं भाई तो किस बात की कोचिंग और किस बात की ट्रेनिंग क्वेश्चन फंसने का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट से फंस जाए बहुत रेयर होता है एग्जैक्ट कहने का मतलब है कि जो आपको पढ़ाया क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जितने भी लोग प्रिलिम्स क्लियर करते हैं ऑलमोस्ट उसमें से 80 से 90 परसेंट सेल्फ स्टडी करके करते हैं कोचिंग इंडस्ट्री या कोचिंग का जो रेलेवेंस होता है मात्र 10 प्रतिशत होता है दे ऑर्गेनाइज द थिंग्स और इसी के कारण से क्या है ना कि इस अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स करने के का कारण से सो मैनी कोचिंग इंडस्ट्रीज है पॉपडप सीरियसली पॉपडप बट पॉपडप मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ इट्स फाइन सबको हक है करने का पढ़ने का पढ़ाने का एंड आई रिस्पेक्ट पर्सनली रिस्पेक्ट ऑल द टीचर्स विच आर देयर टीचिंग क्योंकि टीचर ही एक ऐसा डेजिग्नेशन है और एक ऐसा अहदा है जो सेल्फलेस तरीके से किसी और के लिए सोच पाता है सोच पाता है दे प्रोवाइड अफोर्डेबल एजुकेशन फ्री एजुकेशन एवरीथिंग एन ऑल्सो अफोर्ड तो वी आर ऑल्सो देयर वी आर प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन अफोर्डेबल एजुकेशन यू डोंट हैव टू गिव एनी मनी यूट्यूब पे आइए पढ़िए लेकिन अगर आपको कम समय में चीजें करनी है सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कॉस्ट टाइम इज मनी क्रैश कोर्स टाइम ये सारा कॉस्ट एडेड होता है एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते कि दुनिया में सारी चीजें जो हो रही हैं इट्स हैपनिंग जस्ट फॉर वन ड्राइविंग फोर्स दैट इज मनी आई बनना है क्यों सेवा सेवा से सर्विस करने के लिए आपको बोल दिया जाए आपको कोई भी गाड़ी नहीं दी जाएगी आपको कोई पर्क्स नहीं मिलेगा आपके कोई जॉब सिक्योरिटी आपकी नहीं रहेगी आपको घर में क्या बोलते हैं ना नौकर चाकर कुछ नहीं मिलेंगे आपको कोई बॉडीगार्ड नहीं दिया जाएगा कोई भी सब कुछ अपने खर्चे से करना है और सैलरी हम देंगे आपको बीस हज़ार रुपया महीना तब देखते हैं कौन आता है देश सेवा करने के लिए बीस हज़ार रुपया पर महीना करने पर आई बनेंगे मिसकन्सेप्शन आई एम वेरी हार्श लिटरली आई एम वेरी हार्श बिकॉज इट गिव्स मी सो मच पेन कि आई ए एस निकल करके बन करके करोड़ों ट्रक्स पे ट्रक्स कैश निकलते हैं अगर पैसा ही आपका उद्देश्य है इफ मनी वॉज योर मेन फोकस तो आप बिजनेस करो ना लेजिट तरह से बिजनेस करो हुज स्टॉप्ड यू हैज समन स्टॉप्ड मुकेश अंबानी टू स्टॉप मेकिंग प्रॉफिट्स और मनी कितना पैसा है टाटा ग्रुप बिरला ग्रुप बड़े बड़े बिग जाएं कोई रोक सकता है आपको कोई अंत नहीं है ग्रो योर बिजनेस इन मल्टीपल थिंग्स मल्टीपल फिगर्स अर्न लॉट्स ऑफ मनी एन्जॉय बट वाई यू आर सेट आई वॉन्ट टू डू दिस सेवा एंड योर फोकस इज मनी दिस सेवा मीन्स सर्विस इट मीन्स सेक्रीफाइस आपको प्रॉब्लम क्या आता है कि लोग सर्विस में घुसते हैं देश के रिसोर्सेस को हड़पने के लिए नोचने के लिए होना क्या चाहिए इफ आई एम इन टू सर्विस आई शैल गिव नॉट टेक आई शैल गिव माई स्लीपलेस नाइट्स टू मेक सम लाइफ बेटर आई शैल गिव माई रिसोर्सेस टू हेल्प सम वन लिफ्टेड अप बट द थिंग हैज़ गॉन रिवर्स रॉयल एंट्री मारनी है टशन मारना है करिए वो भी अच्छी बात है बट ये दोगलापन बोल करके नहीं कर रहे ना। बी वेरी फास्ट मेरा आई एम वेरी मच क्लियर मुझे देश सेवा करनी है तो मैं सर्विस करके करूँगा ठीक है बिजनेस करके करूँगा उस तरह से लेकिन मैं ये बोल करके कुछ और करूँगा वो नहीं हो पाएगा सीरियसली नहीं हो पाएगा सो आई ऑल्सो से दैट प्लीज़ बी अ मैन ऑफ इंटिग्रिटी जो आप बोलें वो आप करें दोगला पन न दिखाएँ अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सो आई ऑलवेज वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू बी जेनविन फर्जीवाड़े स्टूडेंट्स आई डोंट वॉन्ट टू आई लिटरली आई कैन टीच दम आई जस्ट वॉन्ट दोस्त जिनके अंदर अंदर से वो कुत है दैट दे कैन सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द कंट्री एंड डू समथिंग रियली प्रोडक्टिव ठीक ईच प्रोफेशन इज इम्पॉर्टेंट हम लोग क्या करते हैं ना हर प्रोफेशन को आ, किसी को बड़ा किसी को छोटा इस, इस तरह से करते हैं जितने भी काम होते हैं ना बाबू कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है द कंट्री नीड्स टू लर्न दिस ईच वर्क इज इम्पॉर्टेंट सबका अपना सिग्निफिकेंस है रोल है महत्व है हम लोग किसी को ऊंचा देखते हैं किसी को नीचा देखते हैं दिस इज रियली डिस्गस्टिंग एंड पैथेटिक कोई अगर आई एग्ज़ाम क्लियर कर दिया तो मतलब बहुत ज़्यादा हाइप बना करके इस तरह से ऐसा क्लियर कर देंगे मतलब आसमान में बैठा देंगे कोई अगर टीचर है डॉक्टर है इंजीनियर है इतना मज़ा नहीं है आई है बहुत मज़ा है तो वो उस, उसी मज़ा को करने के लिए इतनी सारी क्राउड चल जाती है उधर और अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है कंट्री का होता है मेरे लिए आई ए एस आई पी एस इंपॉर्टेंट नहीं है दे आर पार्ट ऑफ द सर्विस मेरे लिए वो भी इम्पॉर्टेंट है एक डॉक्टर भी इम्पॉर्टेंट है एक टीचर भी इम्पॉर्टेंट है एक नर्स भी इम्पॉर्टेंट है और एक स्वीपर भी इम्पॉर्टेंट है और एक uh, मतलब मजदूर काम करने वाला इम्पॉर्टेंट है फार्मर इम्पॉर्टेंट है हर एक पर्सन इम्पॉर्टेंट है हर एक प्रोफेशन इम्पॉर्टेंट है एंड एवरी प्रोफेशन नीड्स नीड्स दैट रेस्पेक्ट विच द कंट्री हैज लिटरली फेल्ड कंट्री शुड कम फर्स्ट ये नहीं आई ए एस शुड कम फर्स्ट और एनी प्राइम मिनिस्टर शुड कम फर्स्ट और एनी चीफ मिनिस्टर शुड कम नो कंट्री शुड कम फर्स्ट वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली पहले हम भारतीय हैं और उसके बाद कुछ हैं बट द एंटायर कॉन्सेप्ट हैज चेंज तो ये वीडियो मैंने जानबूझ करके इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस लेकर के लोग आते हैं हमारे पास में तो अगर आपके थॉट्स और आपकी आइडियोलॉजीज़ हमारे से मिलती है मैच खाती है और इफ़ यू थिंक दैट यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस एंड यू नो द डिफरेंस बिटवीन अ कॉर्पोरेट थिंग एंड अ वेलफेयर स्कीम देन यू कम डोंट ट्राई टू ड्रैग कॉरपोरेट थिंग इन टू वेलफेयर स्कीम दो अलग अलग चीज़ें चल रही है ना यूट्यूब इज़ अ वेलफेयर स्कीम हु आर नाट मीन्स हु क्या बोलते हैं ना कैनॉट अफोर्ड और समथिंग लाइक दैट और नैट नहीं करना है ठीक है दे हैव इनफ टाइम वी आर टीचिंग कारपोरेट थिंग इज देयर एवरी थिंग पे इज अ प्राइस ठीक तो उस चीज का ध्यान रखिए अगर आप जेनविनली देश सेवा करना चाहते हैं तो सेक्रीफाइस मेंटेलिटी के साथ में आइए कुछ देना सीखिए नोचना और लूटना मत सीखिए समझ में आ रहा है यू नीट टू फोकस द थिंग्स ऑन द राइट इफ यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट वी हैव टू पे टैक्सेज टू गवर्नमेंट एंड दोज टैक्सेस विल बी यूज फॉर द वेलफेयर स्कीम ऑफ द पीपल माई गोल इज वेरी फिक्स्ड एंड आई एम वेटिंग कि कब वो दिन आएगा जब मैं गवर्नमेंट को करोड़ों और अरबों का टैक्स मैं भर सकूँ तो so, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ मैंने मेहनत करी मेरी टीम ने मेहनत करी बिजनेस को इतना बड़ा बनाया कि इतने पैसे करोड़ों और अरबों रुपए सिर्फ टैक्स में जाते हो तो टैक्स में किस लिए जाते हैं फॉर द वेलफेयर स्कीम्स ऑफ अदर पीपल सो डायरेक्टली व्हाट वी आर डूइंग वी आर हेल्पिंग आउट द पीपल हु आर देयर इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कंट्री इन अ लेजिट वे ये नहीं हम आई एग्जाम निकालेंगे और करोड़ों का घोटाला करेंगे दैट्स रॉन्ग दैट्स लिटरली रॉन्ग तो बस यही था बताने के लिए <coughs> अगले लेक्चर में ये तो लेक्चर नहीं था मतलब एक ऐसा वीडियो बताना जरूरी था क्योंकि अंदर में भड़ास थी बताना जरूरी था बहुत लोग मिसकंसेप्शन के साथ में आ जाते हैं दे डोंट हैव लिटरली क्लैरिटी सीरियसली दो डोंट हैव क्लैरिटी इन लाइफ हैव अ वेरी गुड क्लैरिटी इन योर लाइफ क्या करना है आपको अगर आपके पास क्लैरिटी है ना यू विल सेल थ्रू आप एकदम फोकस्ड होकर चल जाओगे एम्बिगुअस है माइंड देश सेवा करना है देश सेवा में घुस करके पैसे कमाने हैं और फिर क्या करना है या फिर आप जॉब में हो और आपका माइंड है कि आपको वेलफेयर स्कीम्स पर ध्यान देनी है आप वहाँ पे जॉब सेटिस्फैक्शन आपको मिल नहीं रहा है सो अल्टीमेटली यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टैलेंट डोंट गेट योर टैलेंट वेस्टेड हैव क्लैरिटी ऑफ माइंड क्लैरिटी ऑफ थाट्स एंड डू जो आप सोचते हो जो आप करते हो और जो होता है ट्राई टू मेक थिंग्स इन लाइन विद दिस एंडिंग नोट आई एम साइनिंग ऑफ दिस लेक्चर थैंक यू सो मच बाय एंड टेक केयर